हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रूल ऑफ माइंड। इतने बच्चे स्टार्ट करते हैं मैथ्स गणित कक्षा 9 की वर्कशीट है 45 हिंदी मीडियम में मैथ्स पर की वर्कशीट है। टॉपिक है अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए 1 से 5 प्रश्न में तो सही उत्तर का चयन करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है? रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो आपके पास चर यानी एक्स है उसकी अधिकतम घात घात उसकी 1 होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये वाला भी रैखिक समीकरण है, x रहेगा इसके अंदर, ये देते हैं इसमें x स्क्वायर है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, है ना। यही वाला रैखिक समीकरण नहीं, बाकी इसमें देखिए x है और इसकी जो x स्क्वायर होगा तो दोनों तरफ को कट गया है और इसे कहां दिख रहा है जहां पे x स्क्वायर इसकी तरह से दो चर वाले समीकरण के अधिकतम कितने हल हो? हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने हल हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा कितने चर हैं? दो चर, ठीक है। तो दो चर वाला मान लीजिए रैखिक समीकरण मान लीजिए x प्लस y बराबर 1, तो इसका तो आप x और y की जितनी वैल्यू रखेंगे उतने हल होंगे। मान लीजिए x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 जो भी रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू, तो उसी ऐसी आप वैल्यू रखिए जिसकी वजह से ये 1 आ जाए, है ना। हो सकता है कि वो हो 2, x 2 रखा और y माइनस 1 रखा 1 आ गया, x 3 रखा और y माइनस 2 रखा तो भी 1 आ रहा है, x 4 रखा और y माइनस 3 रखा तो भी 1 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं अनगिनत हल हो सकते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। ऐसे अगर सवाल आपने बताया एमसीक्यू में तो इस तरह से आप एग्जाम्पल करते रहिएगा, देखिए तो पता चलेगा। अब करें x इक्वल टू 0 का आलेख एक रेखा है जो क्या है। अब x इक्वल टू 0 देखिए, x इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन दीजिए x प्लस y इक्वल टू 2 ले दीजिए। अगर मैंने x 0 रखा तो y कितना है? 2 है ना, है x 0 रखा तो y 2 ही आएगी ना। यानी आप देखेंगे कि जो x इक्वल टू 0 है ना वो सारे के सारे पॉइंट y एक्सिस पे आएंगे, तो वो लाइन क्या है? वो लाइन y एक्सिस है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है x इक्वल टू 0 तो वो लाइन y एक्सिस होगी और y इक्वल टू 0 का मतलब वो सारे के सारे पॉइंट x एक्सिस पे आएंगे, तो वो लाइन क्या है? y एक्सिस। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण क्या कह रहा है? ये 3x माइनस y बराबर 3 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, इसे ध्यान देना है, बराबर 3 दे रखा है। तो अब इसमें हल वैल्यू रखिए एक्स वाई की, एक्स वाई की सारी वैल्यू रख के देखिए, राइट में 3 आना चाहिए, ठीक है। अब ये पहला आप रख के देखते हैं 0 और माइनस 3, तो एक्स की जगह तो 0 रख दिया और वाई की जगह माइनस 3 रख दिया, तो ये तो हो गया 0, क्या हो गया? ये 0 हो गया और माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 3, 0 प्लस 3 3 होता है, राइट साइड आ गया, इसका मतलब ये इसका हल है, ठीक है। 2 और 3 रख के देखिए इसके अंदर, 2 और 3 रखिए, 3 गुणा एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3, तो क्या हुआ? इस गुणा कीजिए 3, इसे राइट आ गया तो ये इसका हल है। अब 3 और 6 इसका हल पक्का ही होगा, इसको आप पता चलिएगा इसका आंसर उपरोक्त सही होगा। देखो दो हल आ गए ना, दो ऑप्शन तो नहीं थे ना, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको हल नहीं भी किया तो भी इसका ऑप्शन उपरोक्त सही होगा। क्या होगा बच्चों? ऑल द अबव, इसको करके देखिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, यहाँ टाइप करिए, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस रैखिक समीकरण का एक हल x और y 2 और y 3 इस समीकरण दे रखा है? इसका हमें क्या करना है? x की जगह 2 और y की जगह 3 रखना है, ठीक है। x की जगह 2 और y की जगह 3 रखते, देखिए इसमें रखिए राइट, राइट में जो लिखा हुआ है ना क्या लिखा हुआ? राइट में लिखा हुआ 8 आना चाहिए, तो 2 गुणा x, x की जगह 2 रखना है, y की जगह कितना हो बेटा? गुणा करो 4 प्लस 3 कितना होता है? 7। ये तो इसका हल मतलब इस समीकरण का हल नहीं है। अब अगला देखो, x प्लस 2 है, x की जगह क्या रखते हैं? 2, फिर 2 इंटू y, y की वैल्यू क्या है? 3, ये मल्टीप्लाई है इसका, ठीक है। तो 2 प्लस 3, ये तो इसका हल तो है, इसका हल आ गया ये, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं तीसरे का रख के देखूँ x प्लस y, x प्लस y यानी कि 2 प्लस 3 है ना, सामने सामने रख के दिखा, 2 प्लस 3 5, 5 तो 8 के बराबर नहीं है, ध्यान देना ये बराबर नहीं है, 8 के 8 के बराबर आना चाहिए ना, 8 है राइट साइड, ये वाला बराबर आ गया लेकिन ये नहीं आए, ठीक। वैसे अगला वाला भी नहीं आएगा, तो ये तुम्हें हल नहीं है, ये ऑप्शन होगा 5। तो ये तो हो गए 105 तक सवाल एमसीक्यू, जो कि आपके ऊपर में इस तरह के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन हम बाकी क्वेश्चन भी करके देखते हैं। आपको ये बताना है इसके दो हल ज्ञात करने, क्या करना है बेटे? छठे सवाल में दो हल ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 6,
अपने इक्वेशन को बता देते पहले 2x plus y बराबर 5 पहले इसके दो हल निकालो दो हल क्या होंगे इसी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप ठीक है बॉक्स बना लेते हैं बॉक्स बना लेते हैं तो बॉक्स में हमने x और y लिख दिया ठीक है तो मैं अगर x बराबर 0 रखूं 0 रखने क्या मैंने x 0 रखा था ना 2 * 0 plus y हो गया बराबर 5 तो ये तो 0 हो गया ठीक है 0 जमा y बराबर 5 तो y कितना आ गया 5 आ गया ठीक है y 5 आ गया अब y 0 रख लो या x 1 रख लो ठीक है तो x बराबर 8 रख लेते हैं तो माइनस प्लस कुछ भी रख सकते तो यहाँ पे रखना ध्यान देना है 2 गुना x के लिए 1 रखा प्लस y बराबर 5 ये तो हो गया 2 एक 2 2 प्लस y बराबर 5 ठीक है तो y बराबर आएगा 5 कितना तो 2 बजा के कितना हो गया कितना जब आपने x 1 रखा तो y 3 आ गया क्लियर हो गया ना तो ये तो हमने इसकी दो हल निकाल लिए दो हल हमने निकाल लिए उसके बाद करें जांच करना है कि 3 और 2 इसका हल है कि नहीं तो ध्यान दीजिएगा 3 और 2 लिखा है इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर 2 रखें अब रख के देखते हैं फिर रखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड 2x plus y 2 गुना में x x के लिए 3 plus y y के लिए कितना है बेटा तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ गया 6 प्लस 2 तो ये तो 8 आ गया 8 क्या 5 के बराबर है राइट साइड में हमारे पास क्या है 5 तो ये 5 के बराबर नहीं हम लिख देंगे जो ये पॉइंट है ना 3 कोमा 2 समीकरण का हल नहीं तो इस तरह से सवाल करना सबसे पहले दो हल निकालने थे जो कि हमने यहाँ निकाल लिए ठीक है और उसके बाद कुछ हल है कि नहीं तो हम देखते हैं ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरह बिंदु जो ये बिंदु 5 और 2 है इसका अगर मान लीजिए हल है इसके आलेख की स्थिति होता मतलब इसका हल है आलेख मतलब कोई लाइन है ये इसकी इसकी लाइन है और इस पे ये बिंदु आता है ये बिंदु 5 और 2 आता है अगर ग्राफ तो अगर बिंदु लाइन पे आता है ना बच्चों तो इसको मतलब उसका हल होता है तो हमें के का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले आप पहले इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन लिख लेते हैं साथ में ए एक्स प्लस पाँच वाई बराबर पंद्रह हमें क्या लिखना है x की जगह 5 रखना है और y की जगह 2 रखना है ठीक है और रखने पर ठीक है चलो रख चलिए रखते हैं a तो k ही रह गया x की जगह हमने क्या रखा 5 रखा तो 5y y की वैल्यू 2 है बराबर 15 ये हो गया 5k जमा इसको गुणा कीजिए 10 बराबर तो 5k बराबर हो गया 15 घटा 10 5 के बराबर 5 तो k बराबर आ गया 5 बटा 5 यानी k बराबर 2 बार आया ना बच्चों समझ में तो ये इजी क्वेश्चंस हैं जो आपसे बड़े आराम से हो जाएंगे अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ये समीकरण है आलेख सामने आलेख खींचना है 2x माइनस 8 का क्वेश्चन है 2y माइनस x बराबर 7 तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ठीक है इसका वो बॉक्स बनाना पड़ेगा तो बॉक्स हम बना लेते हैं खाली बॉक्स ब्लैंक बॉक्स x और y इसके बाद आगे भी लिखा हुआ है तो आगे हम बाद में करते हैं पहले हम इसको करते हैं देखिए अगर x में 0 ले लूँ ठीक है x बराबर 0 रखने तो इक्वेशन क्या बनेगी 2y x की जगह 0 आ गया बराबर 7 दो वाई बराबर हो गया सात वाई बराबर सात के साथ पॉइंट पांच जब हमने एफ जीरो रखा तो वाई आ गई पॉइंट पांच इसके अलावा बताइए हम क्या रख सकते हैं आप वैल्यू रख लीजिए एक रख लीजिए ठीक है पॉइंट को नहीं रखने का मन करे तो एक्स एक प्लस एक्स बराबर एक रख लीजिए जब आपने एक्स एक रखा तो वो हो गया दो वाई माइनस एक एक्स के लिए एक हो गया बराबर सात दो वाई बराबर हो गया सात जमा एक आठ आ गया ना ये आ गया आठ तो y बराबर क्या होगा ये दो इसके नीचे आ जाएगा कट जाएगा इस चार आ गया y बराबर चार आ गया जब हमने x एक रखा तो y कितना आया बच्चे चार आया तो इस तरह से हमारा ये बन गया अब हम इसका ग्राफ बना रख ग्राफ बना के दिखा रही हूँ आपको ध्यान से देखना है आपको क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं है ना तो ये ग्राफ चल रहा है चलेगा ना ये ग्राफ ये है x एक्सिस और ये है वाई एक्सिस जीरो रखिए एक दो तीन चार पाँच एक दो
अच्छा नेगेटिव वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे नेगेटिव लिखूं, x 0 और y 3.5, तो y 3.5 यहां है और 0 है यहां पे, x 0 और y 3.5, x 1 और y 4 है, x 1 और y 4 यानी 1 और 4, अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, मिला के ऐसे करके फिर उन्हें ग्राफ, ठीक है आया ना समझ में, तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये, आठ वाला ना x 3 और y 2, इसका हल है कि d का सकते हम जांच करेंगे, एक बार देख लेते हैं x 3 और y जांच, x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है इक्वेशन में हम रख के देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं वो है 2y माइनस x, 2y, y की वैल्यू 2 है माइनस x, x क्या है, x की वैल्यू 3, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 आया, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, इक्वेशन देखिए, ये देखिए 7, हमारा आया क्या है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है जो कि 7 के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आ रहा है ना हमारा, ठीक है, तो जब ये आ रहा था इसका मतलब ये हल नहीं है, ठीक है, तो x बराबर 3 y बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मैं ठीक है, इन समीकरणों को हल करना है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि 7x, सवाल नंबर 9 कर रहा है, ठीक है 7x माइनस 9 बराबर 16, सवाल नंबर 9 में यहां पर देखते हैं, 7 में ध्यान देना है, क्या कह रहा है, 7x माइनस 9 बराबर 16, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी सीधे, y तो है ही नहीं इसमें, तो 7x बराबर क्या होगा, ये पहला समीकरण 16 जमा 9, 7x बराबर 25 हो गया, क्योंकि इसमें y नहीं दे रखा, तो जो दे रखा हमको उसी के अकॉर्डिंग कर, x बराबर हो जाएगा 25/7, ये x का मान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है y बटा 2 प्लस 5 बटा 2 बराबर माइनस, इसका एल्सियम ले लीजिए, y जमा 5 बटा 2 आ गया बराबर माइनस 3 बटा 2, दूसरे रूप में y जमा 5 बराबर आ गया माइनस, y बराबर आ गया माइनस 3 माइनस 5, y बराबर माइनस 8, ये आएगा ना बेटा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, बस तो प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट दे रही और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है, वयस्कों को कुल बच्चों में हर बच्चे को दे रही 5, ठीक है ये ध्यान देना, हर बच्चे को 5 दे रही और बड़े लोगों को कुल टोटल 20 चॉकलेट दे रही, यदि बच्चों की संख्या एक्स है तो कुल बटी गई चॉकलेट को वाई से दर्शाया गया है, दो चर वाले रैंक द्वारा दर्शाया गया है, सबसे पहले हमें लिखना है बच्चों की संख्या, सवाल नंबर 10 है नहीं, बच्चों की संख्या कितनी है बच्चों, और कुल टॉफी कितनी है, कुल बांटी गई चॉकलेट है, वो वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हर बच्चे को उसने 5 चॉकलेट, तो बच्चा गुणा 5 और बड़े लोगों को टोटल 20 चॉकलेट दे दी और ये सारा मिला के वाई चॉकलेट ही तो है, टोटल चॉकलेट ही वाई है, ठीक है तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, इसने कहा है समीकरण के द्वारा दर्शाइए, ध्यान से देखना क्या लिखा है,
चर वाले रैखिक द्वारा दर्शा रहे हैं। तो पहले तो हमारे पास आई क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। अब कह रहे उसने 145 64 बाटी तो बच्चों की संख्या कितनी है, ये तो आ गया पहले पार्ट का जवाब। पहले पार्ट का जवाब, दूसरे पार्ट का जवाब देखिए ध्यान से देखना है आपको। दूसरे पार्ट का जवाब 145 चॉकलेट बाकी, यानी y बराबर 145 है क्योंकि वो चॉकलेट चॉकलेट है ना, टोटल चॉकलेट। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 5x जमा 20 और y की जगह 145, तो 5x बराबर आ जाएगा 145 जमा 20, 5x बराबर 125, x बराबर 125 बटा 5 कितना आया बच्चों, 5 25 आ गया, x बराबर 25। इसमें पूछा था बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या हमने x ही लिखा हुआ है ना, बच्चों की संख्या जो कि x है और वो आ गई 25। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कुछ। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, एंड टेक केयर, सी यू।